श्रीमान सोनुनी जी, कृषक नेता हमारे विदर्भ से जो कृषकों की क्रांति का काम करते हैं, उनके आग्रह खातर मैं एक छोटी सी झलक हमारे कीर्तन की पेश कर रहा हूँ। मेरे मित्र रतनलाल सोनाग्रा जी, इन्होंने भेजे हुए इस कबीर वाणी का उपयोग करते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आपके सामने उनके कुछ दोहे मैं रख सकता हूँ और उसका कोई स्पष्टीकरण थोड़ा सा देने की मैं कोशिश करता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले जी एक ऐसे महान क्रांतिकारक है, ये कुछ आपको अलग बोलने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके कालखंड में बहुत दूरदृष्टि रखकर हमें ये इशारा दिया था कि आने वाला युग ये विज्ञान युग है। लेकिन इस विज्ञान युग के साथ साथ हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि कहीं विज्ञान हमें इंसानियत से तोड़ तो नहीं रहा, इंसानियत को भुलाने के लिए तो नहीं इस विज्ञान का हम उपयोग कर रहे हैं। और इसलिए कबीर जी कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे दुख समाए, स्वामी इतना दीजिए जामे दुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। हे साई, मुझे इतना ही दीजिए कि जिसमें मैं भूखा ना रहूं और मेरे यहाँ अगर कोई गरीब आ जाए तो वो भूखा ना जाए, कोई साधु आ जाए तो भूखा ना जाए, क्योंकि इस संपत्ति का मैं और क्या कर सकता हूँ। हम एक दूसरे को प्रेम से अगर पेश नहीं आ सकते, पास नहीं बैठ सकते, तो फिर उपयोग क्या का महत्व कहते हुए कबीर जी कहते हैं कि जाघट प्रेम न संचरे वाघट जान मसान, जाघट प्रेम न संचरे वाघट जान मसान, जैसे खाल लुहार की श्वास लेत बिन प्राण। लुहार की खाल यानी जो भाता है उसमें से हवा तो निकलती है, लेकिन उसमें प्रेम कहाँ है, उसमें प्राण तत्व कहाँ है। उस तरह से अगर हम इंसान के बारे में सोचे कि हमारे शरीर से, नाक से, हृदय से, फुफ्फुस से हवा तो निकलती है, लेकिन उसमें अगर प्रेम न हो तो वो लोहार के भाते में और हमारे में फर्क क्या है। बिल्कुल, इसलिए हमारे सोनुने जी जो प्रेम से कृषक की क्रांति में जुटे हैं, इसलिए हम उनके बहुत आभार मानते हैं। और उसके साथ साथ उनको आगे बढ़ाने वाले हमारे मित्र श्रीमान मोरे जी, इनके लिए भी हम बहुत प्रशंसा करते हुए ये कहेंगे कि वो सिर्फ नौकरी नहीं करते, दो पैसे लोगों के लिए खर्चा करने की जो उनकी आदत है, कलाकारों को आगे बढ़ाने की जो उनकी तमन्ना है, उसके लिए भी उन्हें हमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी समझते हैं। बिल्कुल, कबीर जी महाराज ऐसा भी कहते हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयनक होए, ढाई अकर जो प्रेम का पढ़े वो पंडित होए। तो आज हमारे साथ में ये थे दत्ताजी हिवाड़े, जो कि सत्य शोध किए कीर्तनकार, ये जो नया प्रयोग है ये करने वाले वो प्रथम इंसान है जिन्होंने सत्य शोध किए कीर्तन, ये जो नया प्रकार है प्रबोधन का, ये उसकी खोज की है। और ये लगातार अभी ये सत्य शोध किए कीर्तन कई जगह पे कर चुके हैं। और दूसरी बात, जो शादियां होती है तो शादियों में मैं कहूँगा कि जो हमारे यानी 4-5 हज़ार साल से जो इंसान जिनको वंचित थे, पीड़ित थे और मानवाधिकार से जो कोसों दूर थे, उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तहत उनको मानवाधिकार दिए थे, तो उसी मानवाधिकार को फिर से एक बार उस पर जो गाज आ रही है उसको बचाने के लिए वो जो एक नया अभियान चला रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे
कि हर शादी में संविधान की पूजा, ताकि राष्ट्रीय भावना जागृत हो और अपने हक अधिकार के प्रति भी जनता जागृत हुए। इसलिए वो हर शादी में एक मूवमेंट चला रहे हैं संविधान संरक्षण समिति के तहत, कि हर शादी जो है वो संविधान पूजन से चालू हो और प्रास्ताविका का भी वो वहाँ पे वाटप करते हैं। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शादियाँ होती है, होते रहेगी, सदियों से चलते आ रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद हमें ये जानकारी होना ज़रूरी है कि हम किस आधार पर जी रहे हैं, किस मूल्य को लेकर हम जी रहे हैं, किस दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ना है, हमारे देश का भविष्य कैसा बनाना है। तो उसका एकमेव काम है और उसका एकमेव ग्रंथ जो है वो है हमारा भारतीय संविधान, और उस संविधान के जीवन मूल्य को लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। इसलिए हमारे हर शादी में हमारे देव देवताओं की तो हम पूजा करते हैं, क्योंकि संविधान में सर्वधर्म समभाव तो लिखा ही है, उसमें सर्वधर्म समभाव के साथ अगर हम हमारे संविधान को भी उस पर प्रवचन रखकर या उसकी पूजा रखकर हमारे देव देवताओं के साथ में उनका भी उच्चार करना, संविधान का उच्चार करना, संविधान का मूल्य लोगों के पास लाना, ये हमारा परम कर्तव्य है और ये राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ हमारी सब शादी जो भी लगती है, शादी का कार्यक्रम जो बनता है, वो कार्यक्रम करते समय संविधान की पूजा होना भी बहुत ज़रूरी है। इतना ही मैं आज कहूँगा, इसके बाद में आगे का प्रोग्राम जो है वो हमें हमारे स्टेज पर ही देखना होगा। बिल्कुल, संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ, यही अभियान लेकर अभी दत्ता जी हिवाड़े निकले हैं और उनको हम जो है सभी लोग उनको सहाय मतलब उनके मिशन में सहायता करें, ऐसा मैं नम्र निवेदन उबंटू उलान चालन की तरफ से करता हूँ। और दत्ता जी और सभी दर्शक साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और जिंदाबाद।